क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे आपके आज के दिन के राशि फल के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जानेंगे कैसा गुजरेगा आपका आज का दिन, क्या है ग्रह नक्षत्र और सितारों की चाल, क्या होगा आज के दिन आपके राशि का हाल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशि फल के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करें उससे पहले एक जरूरी सूचना उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें, उसके जस्ट बगल में घंटी के आकार के बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। और इससे होगा क्या कि हम रात में 8, 8:30, 9 या 9:30 जब भी हम लाइव कार्यक्रम लेके आएंगे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कुंडली दर्शन लाइव के नाम से, और फिर आप लाइव में ही अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना सवाल देकर अपने बारे में समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अधिक देर न करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है, किसी खास व्यक्ति से आपका कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, आपके कार्यों की प्रशंसा होने वाली है, आपकी परेशानियों का समाधान भी पूर्ण रूप से निकल सकता है, आपका स्वास्थ्य मिला जुला के अच्छा रहेगा और आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा, समय पर आज काम आपके पूरे हो सकते हैं। आपके करियर से संबंधित कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा, आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से और बढ़ सकता है। आज के दिन आपको लव लाइफ की यदि बात करें तो आपके आपसी संबंधों में मधुरता का एहसास होगा। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे, भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपके धन प्राप्ति में आपको वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा, आज समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कुछ दोस्तों से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, उनके मदद से आपका कोई जरूरी प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेर बदल रह सकता है, आपको शिक्षकों से हालांकि पढ़ाई में कुछ मदद जरूर मिलेगी। आज के दिन आप पूरे दिन भर खुद को तरोताजा महसूस कर पाएंगे और आज आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम या आयोजन में भी जाने का अवसर मिल सकता है, करीबी लोगों को आपसे कुछ आज अपेक्षाएं रह सकती हैं, बिजनेस से जुड़ी कोई यात्रा भी आज आप कर सकते हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन आपको एक दूसरे के जज्बात को, भावनाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे, आज के दिन माता दुर्गा रानी को मिश्री का भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले, आज सभी कामों में आपको सफलता हासिल हो सकता है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आप आज किसी समारोह में जाने की योजना भी बना सकते हैं, वहां पर आपको किसी बचपन के मित्र से मुलाकात हो सकता है, जीवन साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित हो सकते हैं, आज कुछ नए अनुभवों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज के दिन इस राशि के छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, आज के दिन माता पिता की सलाह भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, मंदिरों में कुछ समय आप आज के दिन जरूर बिताएं, इससे आपके और आपके जीवन साथी के साथ भी रिश्ते और मधुर होंगे, आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे।
अब आइए बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। कर्क राशि वाले आज परिवार वालों के साथ कहीं आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं, आपको किसी अजनबी से कुछ बातों का पता चल सकता है। लेकिन आज के दिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अजनबी से अपने दिल की बातों को शेयर ना ही करें, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। आपके कुछ कामों में रुकावट आ सकती है जिससे आप थोड़े बहुत परेशान भी हो सकते हैं। आपको बच्चों के साथ कुछ पल बिताने का आज मौका मिलने वाला है। आज के दिन आपको कई सारे कार्यों में सफलता हाथ लग सकता है जिससे आज आप प्रसन्नचित मुद्रा में रहने वाले हैं। आज आपके और आपके संतान के बीच में संबंध बेहतर रहेंगे। जो लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों के बीच में एक बेहतर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम में यदि आप कोई रुका हुआ पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आज के दिन आपका प्लान सक्सेस हो सकता है। सही दिशा में आपका दिमाग काम कर सकता है। आज के दिन फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि आपको अपने प्लान को किसी से लेकिन शेयर नहीं करना है, खास करके अजनबी व्यक्ति से। और आज आप कुछ बातों में कंफ्यूज भी रह सकते हैं। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे। पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। सिंह राशि वाले आज आपका दिन सामान्य रहेगा, ज्यादातर धीरे धीरे करके काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन खास करके आप दोस्तों के साथ किसी खास मामले पर बातचीत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर आज आपको थोड़ी बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में कोई जरूरी कामों की योजना आप बना सकते हैं। आज के दिन आपके कार्य क्षमता में विशेष रूप से निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपको दूसरे लोगों से भी कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। कोई भी मौका यदि आपको मिलता है तो उसे नहीं गंवाना चाहिए। आज के दिन खास करके लव लाइफ में आपको बात करते समय बहुत सोच विचार कर बात करना है। उनके साथ कुछ पल एंजॉय के लिए जरूर निकालें। दोनों के बीच में हालांकि रिश्ता मधुर रहेगा। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे। आज के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी का पूजा अर्चना करें और मंदिर के बाहर में यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे अपने इच्छा से कोई भी भोजन आप करा सकते हैं। इससे आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। कन्या राशि वाले आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। रास्ते में किसी करीबी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों से मिलकर आज आपका कोई बहुत बड़ा काम भी पूरा हो सकता है या कोई काम की बात पता आपको चल सकता है। ऑफिस में काम करते समय आपको बचपन की कोई यादें ताजा हो सकती है। काम को लेकर आज के दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार रहेगा और बॉस आज आपके कामकाज से खुश रह सकते हैं। वहीं आज के दिन आपको अचानक से कहीं धन लाभ भी हो सकता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन आप अपने प्रेमी जोड़े के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाने का प्लान बना सकते हैं। आपके बीच में बहुत ही मधुर संबंध रहने वाला है। आज के दिन उनके साथ बिताया गया हर एक पल आपको भावनात्मक रूप से और भी उनके करीब करने वाला है। बिजनेसमैन को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आज के दिन आपको खास करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। इससे आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ इससे खास करके आपको धन लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। तुला राशि वाले आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आज आपको अपने कार्यों में सफल होने के लिए पूरी कोशिश करना होगा, लेकिन कोई तीसरा आज आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए जो किसी न किसी तरीके से आपके काम काज में रुकावट डाल रहा है। आज के दिन आपको कारोबार यदि आप करते हैं तो उसके सिलसिले से शहर से कहीं बाहर जाने का कोई कार्यक्रम कोई प्रोग्राम बन सकता है। अचानक से आपको जाना पड़ सकता है। ध्यान रहे काम के चक्कर में खाना ना भूलें, अन्यथा आपके सेहत में कुछ खराबी
आ सकती है और आपको थकावट भी महसूस हो सकता है। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई में कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे? गौ माता को रोटी खिलाएं, इससे आपके सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा। शाम तक घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा। कुछ रिश्तेदार आज आपके घर पर आ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज का दिन आपके लिए एक प्रकार से मीठा अनुभव कराने वाला है। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर में कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आज आपको दूसरे लोगों को मदद करने का मौका भी मिल सकता है, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनसे मिलकर आपके दिल का बोझ भी कुछ कम हो सकता है। आज परिवार वालों के साथ कुछ बातचीत करके भी आप किसी कठिन मामले का हल निकालने में सफल हो सकते हैं। वहीं लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन आपको बहुत संयम बरतने की जरूरत है। एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें, एक दूसरे को समय दें और प्यार के साथ कुछ पल एक साथ एकांत में जरूर बिताएं। हालांकि आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे? आज के दिन शनिदेव को आप पूजन करें, उड़द के दाल का दान करें, इससे आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। आज आपको किसी मित्र की मदद मिल सकती है, साथ ही दोस्तों से कोई खुशखबरी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती है जिन्हें पूरा करने में आप पूरी तरीके से सफल रहेंगे। आप अपने करियर में सफलता के बेहद करीब रहने वाले हैं। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन आपके दिमाग में कुछ नए विचार, नए आइडिया भी आ सकते हैं जिनसे आपके कार्यों को अच्छे से पूरा करने में सफलता आपको मिल सकता है। आज के दिन खास करके आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी विशेष निवेश यदि आप करते हैं, आर्थिक लेन देन करते हैं, तो बहुत सोच विचार कर ही करें। इस राशि के लव लाइफ की यदि बात करें तो बहुत ही मीठा अनुभव आपको प्राप्त होने वाला है। आज यदि पिछले काफी समय से आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी आपसे रूठा हुआ है और आप उनको मनाने का प्रयास करते हैं तो वो आपके प्रयासों से मान जाएंगे। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे? आज के दिन आपको जो करना है, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करना है जिससे आपके सभी काम बन जाए और बजरंग बाण का पाठ करना है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मकर राशि वाले, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। घर में शांति का माहौल, सुख शांति बना रहेगा और आप अपने सहपाठियों के साथ भी आज कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। करियर में तरक्की के मामले में कुछ रुकावट हालांकि आ सकता है। आज आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने का कोशिश करना चाहिए। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा आज आपको करने से बचना होगा। इसके लिए आज आपको पहले से तैयार होने की जरूरत है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज का दिन सामान्य बना रहेगा। बिजनेस में कुछ नया ट्राई करने से आपको बचना चाहिए। किसी कन्या के पैर छूकर यदि आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले, आज आप अपने काबिलियत से सभी काम को सकारात्मक पूर्वक पूरा कर लेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन उत्तम रहेगा। नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आज इससे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आप परिवार वालों के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का कोई प्लान, कोई योजना भी बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर, आपके बॉस आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और आपके विचारों को पूरा पूरा महत्व दिया जा सकता है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे? हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके लाभ के बहुत सारे अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मीन राशि वाले, आज आप अपनी अच्छी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। आज आपको जीवन साथी से भी सहयोग मिल सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। बच्चों के साथ
कोई बेहतरीन समय बिताने का मौका आपको मिलने वाला है। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर आपके और आपके माता पिता के बीच में कोई सलाह विचार विमर्श हो सकता है। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएंगी और आप बहुत सही फैसला कर पाएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो दिन मुनाफा दिलाने वाला हो सकता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आप एक साथ कहीं बाहर कोई घर के सामान की खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं और शाम में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लजीज खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, एक दूसरे से भौतिक सुख आपको प्राप्त होने वाला है और आज के दिन बिताया गया पल आपको भावनात्मक रूप से और भी एक दूसरे के करीब करने वाला है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे दिन में शुभता बनी रहे। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करके घर से बाहर निकले, आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का राशिफल। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में यदि कोई सवाल है तो कुंडली दर्शन लाइव में आना ना भूलें, जो रात में 8 से लेकर 9:30 के बीच में कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।